सूबे की बीजेपी सरकार पूर्व की सपा सरकार को खनन और ओवरलोड को लेकर घेरती रहती थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में भी हो रहे खनन और सड़कों से गुजर रहे ओवरलोड वाहन पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। यही वजह है कि बालू के अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की निकासी के खिलाफ बुंदेलखंड किसान यूनियन ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ओवरलोड के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके इस अनशन को किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूर्व की सपा सरकार में होने वाले बालू खनन को बीजेपी ने माफियाओं का खनन बताकर सरकार को जमकर घेरा था, जबकि सत्ता परिवर्तन के बाद भी न तो खनन में कोई गिरावट आई है और ना ही ओवरलोड वाहनों पर भी शासन प्रशासन सख्ती बरत रहा है। हम बात करें बुंदेलखंड की महोबा की। इसकी सीमा से सटे मध्य प्रदेश में निकलने वाली नदियों से बालू का खनन किया जा रहा है। यहाँ से बड़े बड़े ट्रक ओवरलोड बालू को भरकर हजारों की तादाद में सड़कों से गुजर रहे हैं, जिससे यहाँ के सड़कें बर्बाद हो रही हैं। यही नहीं, बुंदेलखंड के अन्य जनपदों में भी नदियों का सीना चीरकर पोकलैंड मशीनों से बालू निकाली जा रही है, जिससे यहाँ का जल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। यह क्षेत्र पिछले कई वर्षों से सूखे की मार झेलने को मजबूर है। बुंदेलखंड किसान यूनियन कई बार धरना प्रदर्शन कर आला अधिकारियों को ओवरलोड बंद करने के लिए शिकायत कर चुका है, लेकिन न तो अवैध खनन रुक पा रहा है और न ही ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब बुंदेलखंड किसान यूनियन ने माफियाओं और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का रास्ता चुना है। आपको बता दें कि महोबा जनपद के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हजारों की तादाद में ओवरलोड ट्रक बालू भरकर गुजरते हैं। ऐसे में बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा इसी हाईवे किनारे पनवाड़ी कस्बा में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 16 दिसंबर को आमरण अनशन पर बैठे विमल शर्मा को बुंदेली किसानों का समर्थन मिल रहा है। आसपास के किसान भी आमरण अनशन पर इकट्ठा हो रहे हैं। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा की मांग है कि महोबा जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में ओवरलोड वाहनों को पूरी तरह बंद किया जाए, साथ ही किसानों के कर्ज माफ, सिंचाई, बिजली मुफ्त जैसे मांगे भी की जा रही हैं। किसान इस कदर नाराज हैं कि ओवरलोड चलने के लिए पीछे जिले के डीएम को जिम्मेदार मानकर डीएम चोर है के नारे लगा रहे हैं। आमरण अनशन स्थल पर पुरुषों किसानों सहित महिला किसानों की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। आमरण अनशन पर बैठे बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने कहा है कि पूर्व की सपा सरकार पर बालू निकालने के लिए ट्रैक्टर चलते थे, इस सरकार में ट्रकों से बालू निकाली जा रही है। शासन और प्रशासन का माफियाओं से गठजोड़ है। उन्होंने जूता दिखाते हुए कहा है कि बुंदेलखंड का किसान ऐसे नेताओं को अब जूते से बात करेगा। उन्होंने कहा कि पूरे बुंदेलखंड में भ्रष्ट अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बुंदेलखंड के सभी जिलों में भ्रष्ट डीएम काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की सह पर माफिया बुंदेलखंड को खोखला कर रहे हैं। इनकी माने तो खनन और ओवरलोड संचालन के पीछे जिले के आला अधिकारियों सहित सांसद, विधायक की भागीदारी है। उन्होंने सूबे के सीएम से मांग करते हुए कहा है कि ओवरलोड को रोकिए, नहीं तो किसान भी सड़कों पर आ जाएगा। समस्याओं को लेकर कल से 16 तारीख से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं पनवाड़ी में, क्योंकि बुंदेलखंड में अकाल की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों का जमावड़ा है, पूरे बुंदेलखंड में भ्रष्ट डीएम बैठे हुए हैं, कोई किसानों की सुनने वाला नहीं है, सूखा घोषित नहीं हुआ, कोई किसानों की सिंचाई के साधनों की व्यवस्था नहीं, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो किसानों के अनाजों का रेट नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर और पूरे बुंदेलखंड में किसानों को नेस्तनाबूद करने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए जनप्रतिनिधियों की सह पे, प्रशासन की सह पे खनन माफिया हावी है। हजारों ट्रक ओवरलोड बालू माफिया करके ले जा रहे हैं, अवैध खनन करके ले जा रहे हैं। इसमें यहाँ के जिलाधिकारी, आरटीओ, खनिज अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सब शामिल हैं। इतना बड़ा प्रयास चल रहा है, दिन दहाड़े और ट्रक गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, कोई रोकने वाले नहीं थे, मजबूर होकर हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये सब रोकिए, बुंदेलखंड में तांडव खत्म कराइए, किसानों की जान बचाइए, और नहीं तो 2019 में जब आएंगे तो किसान ये जूता लिए बैठे हैं, ये जूता इन जनप्रतिनिधियों पे जो रात रात भर पूरे 1900 विधायक आपके पूरे बुंदेलखंड में
रात में जेसीबी मशीनें लेके पॉकलाइन मशीनें लेके नदियों के किनारे खड़े हैं आपके जितने भी विधायक है पूरे बुंदेलखंड से, जांच करा लीजिए कि जिस सेंट्रल एजेंसी से। इसका हम लोग जवाब देंगे 2019 में, बुंदेलखंड के किसान अपनी दुर्दशा का जवाब 2019 में देंगे। हमारा चैलेंज है, आप इसको देख लीजिएगा, हमारी चेतावनी है और हम लोग बैठे हैं। वहीं संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रवण कुमार का कहना है कि ओवरलोड से बुंदेलखंड की सड़कें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं नदियों से हो रहे खनन के कारण जल स्तर गिर रहा है। ऐसे में अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुका है। देखिए, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर आमरण अनशन किया है ओवरलोडिंग के खिलाफ किसानों की मांगों को लेकर के। तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं और हमारा पूरा किसान तैयार है। हम लोग क्षेत्र में लगातार संपर्क कर रहे हैं और किसान को जवाब देने के लिए लाठी लेकर के, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने जूता दिखाया है, तो जूता लेकर के हम इनको सबक सिखाएंगे। 2019 में इनको जूता लेकर के और इनको जूती आएंगे। अब ऐसा ये बताइए कि जो क्या सिर्फ ओवरलोड को लेकर या मंशन है, ओवरलोड के अलावा और भी मांगे क्या क्या मांगे हैं भाई? ओवरलोड के बाद भी हमारी मांगे मालिक किसानों का जो संपूर्ण कृषि ऋण माफ किया जाना चाहिए संपूर्ण किसानों का, और किसानों को सिंचाई। उत्तर प्रदेश के महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट।